आज हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशन अर्थात शिक्षा। शिक्षा का क्या अर्थ है, शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा के क्या उद्देश्य है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो शिक्षा है, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो जिसके द्वारा समाज में कोई भी व्यक्ति हो, विद्यार्थी हो, शिक्षा के द्वारा ही अपने समाज में अनुकूलन करता है और शिक्षा के द्वारा ही वह अपने आप को समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में प्रस्तुत करता है। जैसा कि हम जानते हैं शिक्षा दो प्रकार से मुख्यता प्राप्त की जा सकती है, एक होता है औपचारिक शिक्षा, एक होती है अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत हम देखते हैं कि औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा है जो विद्यालयों में हमें पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि पुस्तकीय ज्ञान के रूप में हमें शिक्षा मिलती है वह है एक होती है, और दूसरी होती है अनौपचारिक शिक्षा जो हमें किसी दूसरे व्यक्ति के अनुभवों, अपने स्वयं के अनुभवों के द्वारा प्राप्त होती है, और जो व्यवहारिक रूप से हमें शिक्षा प्रदान होती है वह अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। जैसे कि आपने देखा होगा कई चीजें ऐसी हैं कि जो पुस्तकीय ज्ञान से हटके हैं लेकिन वह भी हमें किसी ना किसी रूप में ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि उनके द्वारा ही समाज में एक अनुकूलन स्थापित होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एक बच्चा होता है जब उसका जन्म होता है तो उसको सबसे प्रारंभिक शिक्षा उसको कहाँ पर प्राप्त होती है, अपने घर परिवार में, अपनी माता के द्वारा, अपने माता पिता के द्वारा, है ना। तो सबसे पहले जो बच्चे को एक प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र होता है वह उसका घर होता है, उसका परिवार होता है जहाँ पर बच्चा जन्म लेता है, जहाँ पर धीरे धीरे वो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसके बाद वो घर परिवार के बाद अपने आस पड़ोस में जाता है, अपने खेल के जो साथी हैं या जो उसके फ्रेंड सर्कल है जहाँ पर वह है कुछ ना कुछ सीखता रहता है आपस में, और जैसे जैसे और बच्चा बड़ा होता जाता है तो वह विद्यालय में प्रवेश कर जाता है, स्कूल में जाने लगता है तो स्कूल में भी उसको शिक्षा ग्रहण कर शिक्षा मिलती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताएं कि अशिक्षा एक ऐसा माध्यम है, अशिक्षा एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी जात के सम्मान है कि जिसमें ना चांद होते हैं ना तारे। अगर हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर आसमान में चांद और तारे ना हो तो जो रात के समय का जो मौसम होगा तो रात के समय में इतना अंधेरा हो जाएगा कि लोगों को एक दूसरे के चेहरे तक नहीं दिखेंगे। मतलब जिस प्रकार घर को अंधेरा होता है रात्रि में आप देखो पूरे बादल काले हो जाएंगे तो वो एक ऐसा दृश्य होगा जो बहुत ही भयावह होगा। उसी प्रकार अशिक्षा है, अगर आप शिक्षित नहीं होंगे, अशिक्षित रहेंगे तो आपके जीवन में समस्याएं, संकट, कष्ट ये हमेशा आपको मिलते रहेंगे क्योंकि शिक्षित व्यक्ति जो समाज में स्थान प्राप्त करता है, जो जिसका जो समाज में स्थान होता है वह अशिक्षित व्यक्ति का नहीं होता। शिक्षित व्यक्ति को आप आराम से पहचान सकते हो, उसको देख सकते हो कि एक शिक्षित व्यक्ति आपने देखा होगा कि अच्छे साफ सुथरे धुले कपड़े पहनता है, उसके अलावा उसके बोलने का जो तरीका है, उसकी बॉडी लैंग्वेज है, सामने आप अपने से बड़ों से बात करने का तरीका, अपने से छोटों से बात करने का तरीका एक शिक्षित व्यक्ति का अलग होता है जबकि अशिक्षित व्यक्ति इस सबसे दूर होता है। अशिक्षित व्यक्ति को ना तो बोलने का ढंग होता है, ना कपड़े पहनने का तरीका होता है और समाज में भी उसको निम्न स्थान प्राप्त होता है। अगर व्यक्ति अशिक्षित है तो समाज के लोगों के द्वारा भी उसको निम्न तरीके से निम्न स्थान दिया जाता है जबकि शिक्षित व्यक्ति का समाज में एक अच्छा उच्च स्थान होता है और सभी व्यक्ति उसको सम्मान और आदर की दृष्टि से देखते हैं। और जब वह शिक्षित व्यक्ति कभी दूसरी जगह, दूसरी विभाग में या किसी ऑफिस में या घर के बाहर कहीं कभी किसी से भी मिलता है तो उसके आदर, उसके संस्कार, उसके आचरण को देख के पता लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षित है, तभी उसका बोलचाल अच्छा है, उसकी वेशभूषा अच्छी है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास करता है, व्यक्ति अपने भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रों में भी वह काफी तरक्की करता है, काफी ऊंचाइयों पर पहुंचता है। तो यह शिक्षित व्यक्ति के ही गुण है कि उसका चरित्र अच्छा होता है, उसका
जो व्यवहार है बोलचाल है वो भी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा अशिक्षित व्यक्ति में ये दशाएं देखने को नहीं मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि समाज में एक शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। आप देख रहे होंगे आप हर व्यक्ति हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें अच्छे से समाज में रहें और उनका स्थान भी अच्छा बना रहे और समाज के लोग उसको उच्च नजर से देखें। आजकल आप देखते होंगे कि अगर शादी विवाह करने का शादी विवाह में भी व्यक्तियों का सबसे पहले यही पूछा जाता है कि आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं कि नहीं। अगर लड़का है तो उससे भी पूछा जाएगा कि वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, और लड़की है तो उससे भी, क्योंकि समान शिक्षा का अधिकार है। बिना किसी भेदभाव के समान रूप से चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, समान रूप से दोनों को समान शिक्षा प्रदान की जाती है। दोनों समान अवसर हैं सभी के लिए। उसके अलावा कोई गवर्नमेंट जॉब की अगर होती है तो उसमें भी महिला और पुरुषों के लिए आपको समान अधिकार दिए जाते हैं, कहीं कहीं तो महिलाओं को आरक्षण भी दिया जाता है। तो ये सब ऐसे मामले हैं क्योंकि जो प्राचीन समय में जो शिक्षा थी वह महिलाओं से काफ़ी दूर थी, अर्थात महिलाओं को शिक्षा नहीं उतनी मिल पाती थी या बिल्कुल भी नहीं मिलती थी, तो उनके अंदर एक पिछड़ापन सा आ गया। लेकिन हमारा जो वर्तमान समय है इस समय में बिना किसी भेदभाव के चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो दोनों को समान प्रकार से शिक्षा दी जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बातों का अध्ययन करें।